लेट्स स्टार्ट दी नोटबुक वर्क। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, या आप यहाँ से देख लें एक बार। फर्स्ट पार्ट देखें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इसका जो आंसर होगा वो बी इंटरसेक्शन ए करने का भी वही आएगा। तो फर्स्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और पहले आप लिखेंगे ए का सेट, जो कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन। बी का सेट क्या है, ए बी सी, ए बी एंड सी। अब आपको पता है इंटरसेक्शन क्या होता है, कि जो सेम या कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, और दोनों को देख के आपको नज़र आ रहा होगा सिर्फ ए ही कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। ये आया है आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का, ए इंटरसेक्शन बी। नाउ टेक राइट हैंड साइड इज़ बी इंटरसेक्शन ए। अब उनकी प्लेस चेंज की है मैंने, ये सेट लिख लिया, पहले बी का लिखा इंटरसेक्शन ए का लिख लिया। नेक्स्ट देखें, बी इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल्स टू, अगेन आप कॉमन मैच करें दोनों सेट के अंदर, जस्ट ए ही है जो सेम है, तो ये सेट ए लिख के आप क्लोज कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड्स का आंसर सेम आया, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस का मतलब होता है पास। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दी बी इंटरसेक्शन ए। दोनों के आंसर सेम हो गए। नेक्स्ट सी दी सेकेंड पार्ट, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अगेन लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ ए यूनियन बी। देखें, ए का सेट लिख लिया, यूनियन बी का सेट लिख लिया। अब आपने इनका यूनियन करना है, और आपको पता है यूनियन क्या है, दोनों सेट्स को मिला कर लिखना, इकट्ठा लिखना। तो पहले तो ये ए मैच कर रहे हैं, उसे एक ही बार लिखेंगे ए, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद सी, उसके बाद ये वाले एलिमेंट्स लिख लें, सी ई आई ओ यू, ये एलिमेंट्स आपने लिख लिए ए यूनियन बी के। नाउ टेक राइट हैंड साइड विच इज़ बी यूनियन ए। अब आप उनकी प्लेस चेंज करेंगे, मैंने बी और ए का सेट लिख लिया यूनियन साइन के साथ। अब आप देखें इनको अगेन, यूनियन मतलब इकट्ठा लिखना है, ए पहले ये वाले तरतीब से लिख लें, ए बी सी, फिर ये वाले लिख लें, ए आपका आगे से दोबारा नहीं लिखेंगे, ई आई ओ यू। अब आप देख सकते हैं दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, दोनों के एलिमेंट सेम हैं। अब आप यहाँ लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो आपकी दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। नाउ सी दी थर्ड पार्ट विच इज़ बी यूनियन सी इज़ इक्वल्स टू सी यूनियन बी। ये आप क्वेश्चन यहाँ से देख लें, या आप थर्ड पार्ट इसका खुद सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी इज़ इक्वल्स टू सी यूनियन बी। नेक्स्ट सी दी फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन बी। अब आपने इसको इंटरसेक्शन को सॉल्व करना है, और आपको पता है ये हम दो दो सेट्स को सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सेट्स को सॉरी यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये अभी तक आपको ये इंटरसेक्शन की, तो कम्यूटेटिव इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में सॉल्व करेंगे। अगेन लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ बी इंटरसेक्शन सी। बी का सेट लिखा इंटरसेक्शन सी का सेट लिखा, ए सी ई जी। अब आपने इनका इंटरसेक्शन करना है, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, ए मैच कर रहा है सी मैच कर रहा है बस, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट दोनों में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आप यहाँ लिखेंगे ए एंड सी, ठीक। नाउ टेक राइट हैंड साइड विच इज़ सी इंटरसेक्शन बी। मैंने इनके सेट लिख लिए हैं, ये पहले सी का लिखा फिर बी का लिखा, अगेन देखें क्या मैच कर रहे हैं, ए सेट मैच कर रहा है, उसके बाद सी मैच कर रहा है, ई और जी सॉरी एलिमेंट ई और जी मैच नहीं कर रहे, तो आप यहाँ लिखेंगे ए एंड सी। अब देखें इन दोनों के आंसर्स सेम आ रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी का भी और सी इंटरसेक्शन बी का भी। तो अब आप यहाँ पे अगेन लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी. ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रूव हो चुकी है. नेक्स्ट सी दी फिफ्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए. ये आप यहाँ से देख लें पार्ट को, ये पार्ट भी आप खुद सॉल्व करेंगे. पार्ट थ्री एंड पार्ट फाइव आप खुद सॉल्व करेंगे. ये एक बार क्वेश्चंस को यहाँ से देख लें, मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर दूँगी अगर आपको ज़रूरत हुई तो. नेक्स्ट सी द सिक्स्थ पार्ट विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए यूनियन सी इज़ इक्वल टू सी यूनियन बी. अब आप ए को सॉल्व करना है सी के साथ और ये यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए यूनियन सी, उसके दोनों के सेट लिख लिए और अब आपको पता है यूनियन में क्या है, दोनों के सेट्स को एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखना है. तो ए देखें मैच कर रहा है, पहले ए लिख लिया और एक ही बार लिखा. नेक्स्ट देखें ई बी आ रहा है तो उसे एक बार लिख लिया, ई के बाद आई नहीं आ रहा तो आई को वैसे लिख लें आप, या तरतीब से भी आप लिख सकते हैं. ए के बाद आप लिख लें सी, सी के बाद ई, ई के बाद आई, आई के बाद जी, ओ यू, ऐसे लिख लें. नेक्स्ट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दे ली सी यूनियन ए, पहले सी का सेट लिखा, यूनियन ए का सेट लिखा. अब उनमें आपने एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है. अगेन पहले ए लिखा, ए के बाद नेक्स्ट क्या आता है सी, तरतीब से लिख लें. सी के बाद ई, नेक्स्ट जी, आई, इसके सारे एलिमेंट्स हो गए. नेक्स्ट आई, ओ एंड यू, इसके एलिमेंट्स भी कंप्लीट हो गए. अब देखें इनके मैच करें, ए सी ई जी आई ओ यू, सारे एलिमेंट्स सेम हैं. इसका मतलब दोनों के आंसर सेम आए हैं. तो आप यहाँ पे अगेन लिखेंगे हैंस, ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो चुकी है. हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए यूनियन सी इज़ इक्वल टू सी यूनियन ए. तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट. क्वेश्चन वन मैंने आपको आज कंप्लीट करवा दी है और इसमें से मैंने टोटल सिक्स पार्ट्स हैं जिसके फोर पार्ट्स आपको करवा दिए हैं और क्वेश्चन पार्ट थ्री एंड पार्ट फाइव आप खुद करेंगे अपनी अपनी नोटबुक पर. और सेवन क्लास अपना काम नीट करें, सिवाय कुछ बच्चों के कोई काम नीट नहीं कर रहा, तो अपना काम नीट एंड क्लीन करें. ओके, अल्लाह हाफिज़.